गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलिकल गियर का नोमेनक्लेचर एंड वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। इस लेक्चर को असल में मुझे अपलोड करना था लेक्चर वन से ठीक पहले, क्योंकि सिर्फ ये ही एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हेलिकल गियर का, इसको मैं अपलोड नहीं कर पाया था। इसलिए आप जब भी इसको रीड करेंगे लेक्चर वन से पहले ही इसको आप रीड करेंगे, क्योंकि हेलिकल गियर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं हेलिकल गियर के बारे में। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि स्पर गियर क्या है, ताकि हमको एक बेसिक डिफरेंस पता चले। ये मैं एक स्पर गियर बना रहा हूं। स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो उसके शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल रहते हैं। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि स्पर गियर में जो भी टीथ रहते हैं उनका जो डायरेक्शन रहता है वो गियर के शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल रहता है। लेकिन हेलिकल गियर में जो टीथ रहता है वो बेसिकली शाफ्ट एक्सिस से इंक्लाइंड रहता है, ऐसा। उसको हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ हेलिकल गियर इस तरीके से दिखेगा। इसके टीथ का आप डायरेक्शन देखेंगे, ये इसके शाफ्ट एक्सिस से इंक्लाइंड है, और इसी इंक्लिनेशन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हम इस बोलेंगे, इसको जाई से डिनोट करते हैं, और ये जाई है आपका हेलिक्स एंगल। स्पर गियर और हेलिकल गियर में सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है कि इसमें टीथ शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल रहता है और इसमें टीथ आपका शाफ्ट एक्सिस से इंक्लाइंड रहता है, जिसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। अब इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हेलिकल गियर को जब भी हम ऐसे सामने से देखेंगे तो आपको ये सारे टीथ इंक्लाइन दिखेंगे। लेकिन अगर हम अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करें, मतलब ये जो टीथ का इंक्लिनेशन है उससे हम परपेंडिकुलर आ जाए तो हमें सारे टीथ पैरेलल दिखने लगेंगे, और पैरेलल टीथ दिख रहे हैं मतलब ये वो वाला केस बन जाता है जिसमें स्पर गियर आता है। मतलब यहां पर हेलिकल गियर को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम इसको सामने से देखें इस तरीके से, मतलब हम अगर शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर खड़े हैं, है ना, तो आपको ये सारे टीथ इंक्लाइन दिखेंगे। लेकिन अगर हम टीथ के परपेंडिकुलर आ जाए तो हमें सारे टीथ पैरेलल दिखेंगे, और सारे टीथ पैरेलल दिखेंगे मतलब ये एक स्पर गियर बन जाएगा। इसलिए हेलिकल गियर के जो नोमेनक्लेचर है ये दो प्लेन पे डिफाइंड है। एक प्लेन वो होता है जो आपका शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर रहता है, और आपके नोट्स या बुक्स में इसको डिनोट किया हुआ है एक्स एक्स प्लेन से, और इस एक्स एक्स प्लेन को नाम दिया हुआ है ट्रांसवर्स प्लेन। ध्यान रखिएगा ये वो प्लेन है जो किसी भी गियर के शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेगा। वैसे एक दूसरा प्लेन डिफाइंड है जो आपका जो टीथ है इससे परपेंडिकुलर रहेगा। ये मैंने अगर एक टीथ बनाया इस डायरेक्शन में, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जो गियर को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा वाई वाई प्लेन, और इस वाई वाई प्लेन को बोला गया है नॉर्मल प्लेन। इन दो प्लेन्स को लेने का मकसद सिर्फ यही है कि एक्चुअल जो गियर हेलिकल गियर के नोटेशंस है वो ट्रांसवर्स प्लेन पे ही आते हैं, दैट इज एक्स एक्स प्लेन पे। हम जब भी यहां पर एक्स एक्स प्लेन मतलब शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर खड़े रहेंगे तो हम सारे नोटेशंस हेलिकल गियर के यहां से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम वाई वाई प्लेन पे आएंगे तो सारे टीथ पैरेलल हो जाएंगे, मतलब स्पर गियर वो एक टाइप का दिखेगा जिसमें टीथ पैरेलल रहते हैं, तो इसमें भी एक नोटेशन मिलता है। ये सिर्फ ये दो प्लेन को इसलिए कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास स्पर गियर के बहुत सारे नोटेशन पहले से ही हमें डिफाइंड रहते हैं। उनको अगर हम यूज करके हेलिकल गियर के नोटेशंस बनाना चाहें तो उसमें सिर्फ हमको एक ही टर्म यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दैट इज हेलिक्स एंगल ज़ाई, क्योंकि ये दोनों गियर में सिर्फ एक हेलिक्स एंगल का ही अंतर आता है। इसलिए इनके जो नोटेशंस है स्पर गियर के नोटेशंस और हेलिकल गियर के नोटेशंस में भी एक ही टर्म हमेशा इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज हेलिक्स एंगल ज़ाई। ठीक है, जैसे आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि ये दोनों प्लेन के बीच में भी अगर मैं एक एंगल बनाऊं तो ये एक एंगल आएगा ज़ाई। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो प्लेन कंसिडर करेंगे, एक प्लेन है एक्स एक्स जो शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन, और एक और प्लेन है जो टीथ से परपेंडिकुलर रहेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्लेन, दैट इज डिनोटेड बाय वाई वाई। अब हम आएंगे पेज नंबर 213 पे, है ना। ये डिस्क्रिप्शन आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि स्पर गियर के सारे नोटेशन हम हेलिकल गियर में यूज कर सके, इसलिए इन दोनों प्लेन्स को कंसिडर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों के नॉमन क्लेचर के बीच में क्या रिलेशन आता है।
नॉर्मल प्लेन पे जो नोमेनक्लेचर लेंगे उसको हम हमेशा स्मॉल एन ऐड करके उसके नोटेशंस को डिफाइन करेंगे नॉर्मल प्लेन के। लेकिन ट्रांसवर्स प्लेन में रहेगा तो उसमें सिंपल नोटेशन रहेगा, उसमें कोई भी प्रीफिक्स हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो पेज 213 में एक हेलिकल गियर बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो आप उसको आपको टीथ दिखेगा, कैसे टीथ है। यह हेलिकल गियर है, इसमें टीथ इंक्लाइंड है। ये एक टीथ है, ये दूसरा टीथ है, ये उसका ग्रूव है, ये दूसरा टीथ है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोई टीथ होता है तो ये ऐसा रहता है टीथ, फिर ग्रूव आता है, फिर टीथ रहता है ऐसा, है ना। इसका अगर आप व्यू को इलेबोरेट करेंगे टॉप व्यू को तो आपको कुछ ऐसी लाइंस दिखेंगी, है ना। ये कम गैप वाली लाइन दिखेगी, फिर इसमें ज्यादा गैप रहेगा, फिर ये कम गैप रहेगा, फिर ये ज्यादा गैप रहेगा, फिर कम गैप रहेगा, फिर ज्यादा गैप, इस टाइप का ऐसे कंटिन्यूस चलतेगा। उसी को अगर मैंने इसको यहां पर बनाया हुआ है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो ये पहला बड़ा वाला गैप है ये टीथ का हाइट रहेगा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा वाला गैप है ये इसका डेप्थ रहेगा, फिर से हाइट रहेगा। इस टाइप का अगर मैंने ये इतनी लाइंस बनाई है इसका मतलब ये टीथ का हाइट है, ये उसका फिर डेप्थ है, ये फिर हाइट है, मतलब यहां पर ये दो दांत दिख रहे होंगे आपको। ठीक है ना, यही जो दांत के इंक्लिनेशन है ये रहता है साई। अगर मैं दांत के बीच वाली लाइन लू तो मुझे दो पॉइंट्स भी यहां पर मिलेंगे, मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी से। ये दांत जो इंक्लाइंड है ये साई एंगल पे इंक्लाइंड है। अब अगर मैं ये ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो दिख रहा होगा ए में मैंने एक लाइन बनाया है, इसको मैं पिच लाइन बोल सकता हूं, ये नीचे वाले दांत के बिल्कुल सेंटर से गया हुआ है। वैसी बी में जो मैंने ये लाइन बनाई है ये ऊपर वाले दांत के बिल्कुल सेंटर से गया हुआ है, और ये दोनों लाइन जहां पर जाके मीट करेगा इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है डी, और ये दोनों के बीच में ही एंगल मिल रहा है मेरे को हेलिक्स एंगल साई। अब यहां पर दो प्लेन कंसिडर किया गया है, एक एक्स एक्स प्लेन और एक वाई वाई प्लेन, मतलब एक शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर और एक टी से परपेंडिकुलर। यह है एक्स एक्स, यह है वाई वाई। ठीक, अब आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, आपको दिख रहा होगा ये ए बी पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको ये जो बी की लाइन आई है मतलब टी से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है, मतलब वाई वाई प्लेन से पैरेलल आपको एक लाइन की कंस्ट्रक्शन करना है ऐसा, तो आपको ये मिलेगा पॉइंट सी। और आप देखेंगे अगर इसको सिंपल सा, ये आपस में परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, मतलब एसी आपका बीडी से परपेंडिकुलर रहेगा और इसके बीच में भी आपको एंगल मिलेगा साई। अब आपको ध्यान रखना है कि वाई वाई प्लेन पे जब भी हम आके कोई नोटेशन को डिफाइन करेंगे उसमें एल लगाए क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन है, और एक्स एक्स पे कोई डिफाइन करेंगे तो वो रहेगा, मतलब एक्स एक्स से पैरेलल किसी चीज को हम डिफाइन करेंगे वो रहेगा कहलाएगा ट्रांसवर्स। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पर कि ये ए पॉइंट है या बी पॉइंट है। किसी भी दांत में हम अगर हम कोई एक पॉइंट ले इस तरीके से ए और बी, तो दो एडजेसेंट टीथ के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा पिच, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। लेकिन अब यहां पर दो पिच आने वाले तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये x एक्स से पैरेलल है, मतलब हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स पिच, ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच बोलेंगे। वैसी ये a और c भी आपको दिखेगा, ये भी दो दांत के बीच का डिस्टेंस है लेकिन ये t से परपेंडिकुलर है या फिर y y प्लेन से पैरेलल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्मल पिच। ये डिस्टेंस पी एन, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे पी एन से। अब इनके बीच में अगर हम रिलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखेगा कि अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हम ये कॉस अगर साई लें तो कॉस साई इक्वल्स टू मिलेगा आपको ए सी अपॉन ए बी। और यहां पर दिख रहा होगा आपको कि ए सी होता है स्मॉल पी एन, मतलब नॉर्मल सर्कुलर पिच, और ए बी आपका आएगा ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। इसका मतलब हमको एक रिलेशन निकल के आएगा कि नॉर्मल सर्कुलर पिच इक्वल्स टू ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच मल्टीप्लाइड बाय कॉस साई। अभी जितने भी फॉर्मूले से नोटेशंस बनते जा रहे हैं ये आपके डाटा बुक में सब दिया हुआ है,
पेज 18.1 में, चैप्टर 18 खोल लेंगे डाटा बुक में, उसके 18.1 में ये दिया हुआ है। मतलब यहां से आपको मिल गया कि नॉर्मल सर्कुलर पिच और ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच के बीच में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज वाई वाई प्लेन से पैरेलल चल रही है वो नॉर्मल है, और जो भी चीज एक्स एक्स प्लेन से पैरेलल चल रही है वो ट्रांसवर्स है। नॉर्मल के लिए मैं एन यूज कर रहा हूं, लेकिन ट्रांसवर्स के लिए टी यूज नहीं कर रहा हूं। आपको बस डिफाइन होना चाहिए कि अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आया हुआ है मतलब वो ट्रांसवर्स कहलाएगा। इसके बाद हम जानते हैं, अब इसको मॉडिफाई हम करते आते हैं, इसको हमने इक्वेशन वन लिख दिया है। अब देखते हैं हम कि सर्कुलर पिच का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो होता है पाई डी बाई जेड। एक और टर्म हमने इस परगे में यूज किया था जिसको हम बोलते हैं डायमीटर पिच, जो होता है कैपिटल पी, और कैपिटल पी का फॉर्मूला होता है जेड अपॉन डी। अगर इस डायमीटर पिच को हम सर्कुलर पिच के फॉर्मूले में रखें तो हमको मिलेगा पी इक्वल्स टू पाई बाई कैपिटल पी। अब इसमें कोई नोटेशन डाला नहीं हुआ है, मतलब सर्कुलर पिच किसी भी गियर के सर्कुलर पिच और डायमीटर पिच के बीच में यही रिलेशन होता है, सर्कुलर पिच इक्वल्स टू पाई अपॉन डायमीटर पिच। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, तो ये डिफाइंड है ट्रांसवर्स प्लेन पे, क्योंकि इसमें कोई नोटेशन नहीं है। अगर इसी को हम नॉर्मल प्लेन में कंसिडर करते तो ये स्मॉल पी एन इक्वल्स टू पाई अपॉन कैपिटल पी एन बन जाता है। और अगर इन दोनों को हम यहां पर रखेंगे स्मॉल पी और स्मॉल पी एन की वैल्यू को, और उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको दोनों डायमीटर बीच के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि कैपिटल पी एन इक्वल्स टू कैपिटल पी अपॉन कॉस साइन। ये हो गया डायमीटर पिच के बीच में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी बाई जेड, और ये डी बाई जेड होता है पाई एम, मतलब मॉड्यूल। तो फिर से ये हो गया पी इक्वल्स टू पाई एम अगर हम बात करें ट्रांसवर्स की, और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इसमें एन लगा देंगे तो पी एन इक्वल्स टू पाई एम एन, जो ये बन जाएगा आपका नॉर्मल। और फिर से अगर हम इनको उठा के इक्वेशन वन में रखेंगे तो हमको दोनों मॉड्यूल के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल और ट्रांसवर्स मॉड्यूल के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम एन इक्वल्स टू एम कॉस जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब जितने भी बॉक्स बनाते जा रहा हूं ये सब आपके पेज 18.1 में रिलेशन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा सब दिख रहा होगा आपको कि ट्रांसवर्स और नॉर्मल के बीच में रिलेशन, इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रांसवर्स मतलब वो प्लेन जो एक्स एक्स से पैरेलल है और एक्स एक्स प्लेन आपका शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। दूसरा प्लेन जो होता है वाई वाई प्लेन, वो आपके टी से परपेंडिकुलर प्लेन रहता है ना। तो इसमें इसलिए दो नोटेशंस डिफाइंड है, नॉर्मल प्लेन पे भी और ट्रांसवर्स प्लेन पे भी, और दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्रांसवर्स और नॉर्मल है ये सब रिलेट कर रहे हैं हेलिक्स एंगल साई के साथ में। आगे वैसे ही अगर हम देखेंगे तो प्रेशर एंगल को भी रिलेट किया हुआ है कि कॉस साई इक्वल्स टू टेन अल्फा एन अपॉन टेन अल्फा, इस तरीके से आपके डाटा बुक में डिफाइन किया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे ये टेन अल्फा है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, और ये अल्फा एन लिखा हुआ है मतलब नॉर्मल प्रेशर एंगल। ये आपका एक्स एक्स प्लेन पे मिलेगा, ये आपको वाई वाई प्लेन पे मिलेगा, और ये दोनों भी प्रेशर एंगल रिलेट कर रहे हैं जाई के साथ में इस तरीके से। और हमको जब भी आपको आप हेलिकल गियर में आगे कभी भी क्वेश्चन आएगा इसमें अगर प्रेशर एंगल की वैल्यू 20 डिग्री दी रहेगी तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये अल्फा एन होता है कि नॉर्मल प्रेशर एंगल हमेशा 20 डिग्री होता है, क्योंकि यहां पर आप हेलिकल गियर के इसमें दो अल्फा दिखेगा, एक ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल और एक नॉर्मल प्रेशर एंगल। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको 20 डिग्री दिया जाएगा प्रेशर एंगल की वैल्यू दी रहेगी, वो जो 20 डिग्री होता है वो हमेशा नॉर्मल प्रेशर एंगल का वैल्यू होता है। वैसे हम अगर डायमीटर की बात करें हेलिकल गियर का डायमीटर, अब हेलिकल गियर का अगर डायमीटर नापेंगे तो ये नापेंगे और ये देखेंगे कि ये जो चीज है ये ट्रांसवर्स से पैरेलल है हेलिकल गियर का डायमीटर। ये सिलेंडर है, ठीक है ना, यहां पर सर्कल रहता है, यहां पर भी सर्कल रहता है, अगर इसको हम 3D बनाए ऐसा, ये हेलिकल गियर और इसका डायमीटर नापना है तो ये होता है उसका डायमीटर। तो ये डायमीटर आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इसमें सिंपल सा जो स्पर गियर में था वही फॉर्मूला यूज होता है एम
जेड। पर ध्यान रखिएगा ये ट्रांसवर्स है क्योंकि एक्स एक्स से पैरेलल है ये डी, तो ये भी होगा ट्रांसवर्स मॉड्यूल इंटू जेड। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको जो हेलिकल गियर का जो मॉड्यूल डिफाइंड रहेगा या निकालने भी बोला जाएगा वो मॉड्यूल हमेशा रहेगा वो नॉर्मल मॉड्यूल। आपको कभी मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आपको गिवन पोजिशन रहेगा वो नॉर्मल मॉड्यूल का ही रहेगा, दैट इज एम एन का। और अगर आपको निकालने ही बोला जाएगा कि आपको मॉड्यूल फाइंड आउट करना है तो आपको नॉर्मल मॉड्यूल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए हम ये सारे रिलेशंस को नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म्स में जमा सकते हैं। यहां से हमको दिख रहा है कि नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मॉड्यूल इनटू कॉस साई, इसका मतलब ट्रांसवर्स मॉड्यूल की वैल्यू आएगी नॉर्मल मॉड्यूल अपॉन कॉस साई। इस टर्म्स में अगर हम लिखें तो डी इक्वल्स टू होगा एम एन जेड बाई कॉस साई। अब यहां पर तीन चार टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, ये है हेलिकल गियर का डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ हेलिकल गियर, ये है नॉर्मल मॉड्यूल, ये है एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑफ हेलिकल गियर, हेलिकल गियर के कितने दांत हैं, और ये आपका हेलिक्स एंगल इज आई। तो ये भी आपके डाटा बुक में दिया हुआ है कि डी का भी क्वेश्चन, जो हम स्पर गियर में सिंपल एम जेड यूज करते थे लेकिन हेलिकल गियर के केस में हम नॉर्मल मॉड्यूल यूज करके ये पिच सर्कल डायमीटर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा एम एन जेड अपॉन कॉस साई। लास्ट एक और नोटेशन है सेंटर डिस्टेंस। किसी भी गियर का सेंटर डिस्टेंस हमने देखा था स्पर गियर के केस में, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो दो गियर्स हैं मान लेते हैं तो पेयरिंग में है, ये ऊपर वाले गियर का सेंटर है, ये नीचे वाले गियर का सेंटर है, इस सेंटर डिस्टेंस को हम ए से डिनोट करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो अगर ये पिनियन है जिसका डायमीटर है डी वन और ये गियर है जिसका डायमीटर है डी टू, तो ये ए का डिस्टेंस हमेशा निकलेगा डी वन बाई टू प्लस डी टू बाई टू। इनको अगर मॉड्यूल के टर्म्स में लिखें तो ये होता है एम जेड वन बाई टू प्लस एम जेड टू बाई टू, इसमें एम कॉमन निकालेंगे तो सेंटर डिस्टेंस आएगा एम जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। ये स्पर गियर के केस में होता है जनरली कि एम जेड वन प्लस जेड टू बाई टू सेंटर डिस्टेंस। लेकिन हमको अगर हेलिकल गियर का सेंटर डिस्टेंस बनाना है तो हम हेलिकल गियर में, अभी आपको बताया कि हेलिकल गियर में ट्रांसवर्स मॉड्यूल यूज नहीं किया जाता उनके इक्वेशन में, उसमें यूज किया जाता है नॉर्मल मॉड्यूल। हमको लेकिन फिर से पता है कि ट्रांसवर्स और नॉर्मल मॉड्यूल के बीच में रिलेशन, अगर हम इसको यहां पर डाल दें तो आपको ये मिलेगा एम एन जेड वन प्लस जेड टू बाई टू कॉस जेड। तो हेलिकल गियर के केस में ये होता है आपका सेंटर डिस्टेंस, ये भी आपके डाटा बुक में दिया हुआ है। तो इतने सारे नोमेनक्लेचर के टर्म्स यूज होंगे हेलिकल गियर में। और फिर से बता दे रहा हूं कि हेलिकल गियर में दो प्लेन कंसीडर किया जाता है, एक प्लेन जो शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, इसको डिनोट करते हैं एक्स एक्स से, और एक दूसरा प्लेन जो टीथ से परपेंडिकुलर रहेगा इसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। ये ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जब भी हम वाई वाई प्लेन में आए हमको सारे टीथ पैरेलल दिखे और स्पर गियर के सारे नोटेशंस हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेलिकल गियर में, और दोनों के बीच में बस एक ही चीज का रिलेशन रहेगा दैट इज हेलिक्स एंगल साई। ये दोनों प्लेन के बीच में जैसे साई है तो सारे नोटेशन के बीच में भी साई आएगा, या तो कॉस के टर्म्स में, या तो टैन के टर्म्स में, या तो साइन के टर्म्स में, ये डिपेंड करेगा आपके ज्योमेट्री के ऊपर, पर साई टर्म जरूर आता है नॉर्मल और ट्रांसवर्स के बीच में। वाई वाई प्लेन पर जितने भी टर्म्स रहेंगे वो नॉर्मल कहलाएंगे, एक्सेस प्लेन से जितने भी टर्म्स रहेंगे वो सब ट्रांसवर्स कहलाएंगे। तो ये बेसिक नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, आप निकाल लेंगे पेज 216 में, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। अब हमको टीथ इमेजिन करना है और वो टीथ की वैल्यू या उसके नोटेशन निकालना है कि वो इमेजिनरी टीथ क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। इमेजिनिंग टीथ हमको इमेजिन करना है किस पे, ये डिपेंड करता है, और ये यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चीज बता दूं कि किसी भी सिलेंडर को जब हम कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उसी को अगर हम ध्यान पे रखें तो एक सिलेंडर है जिसमें ऊपर एक सर्कल रहता है, ये उसकी हाइट रहती है, और फिर नीचे भी एक सर्कल रहता है ऐसा, ये आपने इजी पढ़ा होगा क्योंकि इसका भी हमको यूज करना पड़ेगा हेलिकल गियर में। किसी भी सिलेंडर को अगर आप बेस से पैरेलल काटो, अगर इस सिलेंडर को मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, इसको अगर बेस से पैरेलल काटोगे ऊपर का हिस्सा रिमूव करोगे तो आपको फिर से एक सर्कल ही दिखेगा जिसका डायमीटर डी रहेगा। तो किसी भी सर्कल को बेस से पैरेलल काटते हैं तो यही मिलता है। लेकिन अगर मैं किसी कारण से इस सर्कल को इंक्लाइंड काटूं ऐसा, मतलब ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और इस सर्कल को मैं ऐसे इंक्लाइंड वे में काट रहा हूं,
और उसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो मुझे जो ऊपर से शेप दिखेगा वो क्या दिखेगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही अगर ध्यान देंगे तो किसी भी सिलेंडर को अगर आप इंक्लाइन प्लेन से काटते हैं, उसके बेस से इंक्लाइन प्लेन में, तो आपको जो शेप दिखेगा वो एक इलिप्स का शेप दिखेगा। ये ईजी में डिफाइंड है, वो एक इलिप्स का शेप दिखेगा। ठीक, अब अगर इलिप्स का शेप दिख रहा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए फिर कि इलिप्स के शेप को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको दो चीजों का यूज करना पड़ेगा, दो डायमेंशन। जैसे सर्कल को डिफाइन करने के लिए डायमीटर होता है, वैसे इलिप्स को डिफाइन करने के लिए दो एक्सिस होती है। एक ये होती है मेजर एक्सिस जो इलिप्स के फार्देस्ट पॉइंट को जोड़ता है और सबसे लोवेस्ट पॉइंट को जोड़ता है आपका, ये होता है माइनर एक्सिस। तो इलिप्स में दो एक्सिस डिफाइंड है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो वैसे हम यहां पर देखेंगे, अगर मैंने इस प्लेन को काटा हुआ है तिरछा, तो दिख रहा है ये दो मेरे को डिस्टेंस ज्यादा मिलेंगे, मतलब ये आपका आएगा मेजर एक्सिस और यहां पर आएगा माइनर एक्सिस। बस एक और चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें से हमेशा एक एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो आपको हमेशा डिफाइंड रहेगा, क्योंकि आपको एक सर्कल से कट के आया जिसका आपको डायमीटर पता है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो माइनर एक्सिस है वो हमेशा स्मॉल डी ही रहेगा। मतलब किसी भी सिलेंडर को जब भी हम इंक्लाइन काटेंगे तो वो चेंज आएगा मेजर एक्सिस में, क्योंकि ये डिस्टेंस दूर हो गया, लेकिन उसका जो ये वाला परपेंडिकुलर, जो बोर्ड से परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, जो माइनर एक्सिस है, वो उसका डायमीटर के बराबर ही रहेगा। कि हम उस सिलेंडर को चेंज नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ काट रहे हैं, तो उसका एक डायमेंशन चेंज होगा मेजर एक्सिस का, माइनर एक्सिस आपका सिलेंडर के डायमीटर के बराबर ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आप हेलिकल गियर में दो प्लेन कंसीडर करते हैं ताकि हम स्पर गियर के सारे फॉर्मूले हम लगा सकें। तो फिर से मैं एक हेलिकल गियर बना रहा हूं, यह हेलिकल गियर का शाफ्ट एक्सिस है, यह इसका मिड पॉइंट है, और यहां पर मैं एक टीथ एज्यूम कर रहा हूं जिसका इंक्लिनेशन है ये शाफ्ट एक्सिस के साथ में जाई। अब यहां पर अगर मैं प्लेन लू, एक प्लेन जो टी से परपेंडिकुलर है, जिसको आप हमेशा डिनोट करते आ रहे हैं वाई वाई से, तो आपको एक दिखेगा ये प्लेन वाई वाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल गियर होता है, इसको अगर मैं वाई वाई प्लेन से, और ये वाई वाई प्लेन है जो टी से परपेंडिकुलर, इस प्लेन से अगर काटू और अगर इस हिस्से को मैं रिमूव कर दू, तो यहां से जो आपको शेप दिखेगा वो एक दिखेगा एलिप्स। मतलब वाई वाई प्लेन से पैरेलल जो कि एक नॉर्मल प्लेन है, यहां पर आपको एक इलिप्स मिलेगा, और इस इलिप्स का फिर से एक मेजर एक्सिस होगा और एक माइनर एक्सिस होगा। और जैसा कि अभी बताया, इसका जो माइनर एक्सिस का वैल्यू तो डी ही रहेगा, है ना। ये आपका हेलिकल गियर का डायमीटर है डी, तो ये माइनर एक्सिस में भी आपको ये हमेशा डी ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं कि ये एक वाई वाई प्लेन है, दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ए पॉइंट ले लूं और यहां पर एक्स एक्स प्लेन मैंने बनाया नहीं है, ये एक्स एक्स प्लेन शाफ्ट एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है, इससे पैरेलल एक लाइन बनाओ तो ये ए बी सी मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि वाई वाई प्लेन और एक्स एक्स प्लेन दिख रहा होगा, ये लाइन ए बी शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये लाइन वाई वाई या ए सी बोलू, ये वाई वाई प्लेन या टी से परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स एक्स प्लेन से पैरेलल है, ये वाई वाई प्लेन से पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा जाई। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये एसी से पैरेलल ये लाइन चल रही है, मतलब जो मेजर एक्सिस है इस इलिप्स का, ये एसी से पैरेलल है। और अगर इस ट्राइंगल में ए बी सी में देखें, तो अगर मेरे को एसी डिस्टेंस निकालना है, यहां पर अगर मैं कॉस जाई निकालू इस ट्राइंगल ए बी सी में, तो कॉस जाई की वैल्यू अगर आप निकालो, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो कॉस जाई होता है ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब अगर हम ए सी की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन कॉस जाई, और यहां पर दिख रहा है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस होता है हेलिकल गियर का डायमीटर, मतलब ये हो गया टी अपॉन कॉस जाई, और ये ए सी ही आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस है, मतलब इस मेजर एक्सिस का भी वैल्यू आपको मिल जाएगा d अपॉन cos साइन। तो जब भी हम वाई वाई प्लेन कंसीडर करते हैं
मतलब किसी भी हेलिकल गियर को वाई वाई प्लेन पे काटेंगे तो जो एक शेप मिलेगा वो एक इलिप्स मिलेगा। अब इस इलिप्स में हमको एक स्पर गियर बनाना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पर गियर के सारे फॉर्मूले हम यूज कर सके हेलिकल गियर के साथ में। लेकिन जब भी हम किसी इलिप्स को वाई वाई प्लेन से काटते हैं तो हमें एक इलिप्स मिलता है, और इस स्पर गियर या कोई भी गियर का शेप इलिप्टिकल तो नहीं होता है। इसका मतलब हमको इस शेप को और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको सर्कुलर शेप में बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास है दोनों एक्सिस का डायमेंशन। मेजर एक्सिस होता है इस इलिप्स में, जो ये इलिप्स काट के निकला है, मेजर एक्सिस की वैल्यू है डी अपॉन कॉस जाई, और माइनर एक्सिस की वैल्यू निकल के आई है स्मॉल डी। तो आपके पास दोनों एक्सिस है और आपके ज्योमेट्री के मैथ्स के ज्योमेट्री में ये डिफाइंड है कि किसी भी इलिप्स को अगर आपको एक सर्कल में कन्वर्ट करना है तो उस सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के टर्म्स में क्या निकल के आएगा, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है एक लाइन लिख के कि इफ दिस इलिप्स इज मेड टू टर्न इनटू ए इमेजिनरी सर्कल देन इट्स रेडियस इज गिवन बाय आर डैश इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी। ये सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला है कि किसी भी इलिप्स को अगर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो उस सर्कल का जो रेडियस निकल आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बाई बी। इसका मतलब अब इसमें दो नोटेशन है ए और बी, ध्यान रखेंगे जो ए है ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, इसका मतलब मेजर एक्सिस का हाफ, ये है आपका मेजर एक्सिस जो है डी बाई कॉस साई, उसका हाफ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी अपॉन टू कॉस साई। वैसी जो बी होगा वो होगा आपका सेमी माइनर एक्सिस, मतलब आपका माइनर एक्सिस है डी, तो ये सेमी माइनर एक्सिस आएगा डी अपॉन टू। अब इन दोनों टर्म्स को ए और बी को अगर आप यहां रखेंगे, पर ध्यान रखेंगे यहां ए स्क्वायर में है और बी विदाउट स्क्वायर है, तो आपको ये स्क्वायर का रखना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जो नोट टर्म्स आएगा ये आपके डाटा बुक में भी गिवन है, ये आ रहा है 18.2 पेज पे डी अपॉन टू कॉस स्क्वायर साई। इसका मतलब अगर हम इसको एक सर्कल बनाएंगे, इस इलिप्स को एक सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस का फॉर्मूला होगा ये हेलिकल गियर का पिस्टन डायमीटर डिवाइड बाय ट्वाइस कॉस जाई का स्क्वायर, हेलिक्स एंगल का स्क्वायर, कॉस हेलिक्स एंगल का स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि उस इमेजिनरी सर्कल का जो एक आपका वर्चुअल स्पर गियर बनेगा उसका हमको रेडियस मिल गया है। वैसी जिसको हम वर्चुअल स्पर गियर बोलेंगे, ठीक है ना, इसको देखेंगे कि अब डायमीटर पीसीडी, इसको बोल सकता हूं मैं पीसीडी ऑफ वर्चुअल स्पर गियर, उसमें एक स्पर गियर इमेजिन करने वाले हैं तो पिच सर्कल डायमीटर, अभी हमें हमारे पास उस सर्कल का रेडियस है, अगर हम उसके पिच सर्कल डायमीटर की बात करें तो अगर ये डैश हम डिनोट कर रहे हैं तो उसको हम डी डैश से डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस आर डैश। सिंपल सी चीज है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का ट्वाइस होता है, तो अगर हम उसको सर्कल के डायमीटर की बात करें, उस इमेजिनरी स्पर गियर के डायमीटर की बात करें तो वो ट्वाइस आर डैश होगा। अगर आर डैश आप यहां पर डालेंगे तो आपको डी डैश इक्वल्स टू मिलेगा डी अपॉन कॉस स्क्वायर साई। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां से एक और चीज मिल जाती है कि इमेजिनरी मतलब वाई वाई प्लेन पे कंसिडर करते हुए जो एक सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर है डी डैश, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पीसीडी ऑफ वर्चुअल स्पर गियर, और ये सिर्फ डी लिखा हुआ है, मतलब यहां पर मैं एन टर्म यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर जब भी हम वाई वाई प्लेन से आते हैं तो नॉर्मल प्लेन यूज करते हैं, तो यहां पर असल में डी एन भी हम लिख सकते थे, पर जैसा मैं ये नोटेशन इसलिए दिखा रहा हूं जिस टाइप से जिस टर्म्स में आपके डाटा बुक में दिया हुआ है, तो यहां डी एन ना लिख के डी डैश लिखा है, ये है वाई वाई प्लेन पे ही, और वाई वाई प्लेन पे जो भी चीज आती है वो नॉर्मल कहलाती है, तो यहां पर आप एन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नोटेशन आपके डाटा बुक में यूज नहीं है, वहां पर यहां पर डी डैश यूज किया हुआ है, इसलिए हम इसको डी डैश ही रखेंगे जो कहलाएगा पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल स्पर गियर, और ये आएगा पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एक्चुअल हेलिकल गियर। मतलब दोनों के जैसे हमने देखा था सारे नोटेशंस मॉड्यूल के बीच में, सर्कुलर पिच के बीच में, प्रेशर एंगल के बीच में जो रिलेशन था, वैसी दोनों के डायमीटर के बीच में भी ये रिलेशन निकल के आएगा, दैट इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल स्पर गियर इमेजिनरी स्पर गियर एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ हेलिकल गियर, ये कॉस स्क्वायर वाई से रिलेट होगा। अब अगर हम इसको मॉड्यूल के टर्म्स में लिखें तो आपको मालूम है
कि जब भी हम नॉर्मल प्लेन पे आते हैं, वाई वाई प्लेन पे हम कंसिडर करते हैं, तो वो जो नॉर्मल मॉड्यूल मिलता है वो आपको मिलता है एमएन। अगर उस इमेजिनरी गियर के दांत को एज्यूम करें तो उसको भी हम लिखते हैं जेड डैश। इमेजिनरी डायमीटर को डी डैश, इमेजिनरी रेडियस को आर डैश, तो इमेजिनरी टीथ को उस गियर पे, उस सर्कल पे जो गियर बनेगा उसमें जो दांत रहेंगे उसको भी हम लिखेंगे जेड डैश। मतलब वाई वाई प्लेन पे आने पे जो मॉड्यूल रहेगा उस दांत का वो एमएन कहलाएगा, नॉर्मल मॉड्यूल, क्योंकि ये नोटेशन इसलिए यूज करेंगे उसको हम पहले भी यूज कर चुके। और उसका जब उसमें जो दांत रहेंगे, नंबर ऑफ टीथ रहेंगे, उसको डैश से कर रहे हैं, ये इमेजिनरी टीथ है ना, और ये नॉर्मल मॉड्यूल है। हमको यही चीज निकालनी है, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ या इमेजिनरी नंबर ऑफ टीथ का वैल्यू क्या है। लेकिन जब भी हम हेलिकल गियर पे, मतलब एक्स-एक्स प्लेन पे आते हैं, तो वो रहता है आपका सिंपल ट्रांसवर्स मॉड्यूल, और उसमें जो जेड रहता है वो भी रहता है एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ। मतलब यहां पे आपको चार टर्म दिखेंगे, वाई वाई प्लेन पे जो मॉड्यूल कहलाएगा वो कहलाएगा नॉर्मल मॉड्यूल, और वाई वाई प्लेन पे जो इमेजिनरी स्पर गियर हमने कंसिडर किया है उसमें जो नंबर ऑफ टीथ रहेंगे वो रहेगा जेड डैश। लेकिन एक्चुअल हेलिकल गियर की बात करें तो वो मॉड्यूल रहेगा एम और जो नंबर ऑफ टीथ रहेगा वो जेड। अगर इसी टर्म्स में डालें तो आपको यहां पर दिखेगा डी डैश, मतलब वो डायमीटर जो एक इमेजिनरी है, तो उसका होता है डी इक्वल टू एमजेड होता है, तो लेकिन यहां पर नोटेशन है तो वो जाएगा एम एन जेड डैश, और ये हेलिकल गियर का डायमीटर है जो होता है एम जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड। ये बेसिक चीज आपको मिलेगी। अब यहां पर आपको दिखेगा MN यहां पर है नॉर्मल मॉड्यूल और यह है ट्रांसवर्स मॉड्यूल। इसके बीच में भी हमने रिलेशन डिफाइन किया था कि MN equals to M cos psi, तो यहां से मैं फिर से लिख दे रहा हूं MN equals to M cos psi, इसका मतलब M होता है MN by cos psi। ये ट्रांसवर्स मॉड्यूल और नॉर्मल मॉड्यूल के बीच में रिलेशन होता है। हम इसी को पुट अप करेंगे यहां पर, तो ये चीज हमको निकल के आएगी MN Z dash equals to MN by cos psi multiplied by Z upon cos square psi। ऐसा करने से ये दोनों MN कैंसल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा दोनों दांत। ये इमेजिनरी टीथ है और वर्चुअल स्पर गियर, ये एक्चुअल टीथ और हेलिकल गियर जो निकल के आएगा Z dash equals to Z upon cos cube psi। ये है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इमेजिनरी स्पर गियर। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यह इमेजिनरी टीथ और वर्चुअल स्पर गियर, यह एक्चुअल नंबर टीथ ऑफ हेलिकल गियर जो रिलेट करता है कॉस क्यूब साई से। ये आपके डाटा बुक पे पेज 18.12 में दिया हुआ है। तो ये होता है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। मतलब अगर आप एक गियर इमेजिन करोगे जो वाई वाई प्लेन पे रहेगा, उसमें जो दांत रहेंगे वो कहलाएंगे जेड डैश, और एक्चुअल हेलिकल गियर का जो टीथ है वो कहलाएगा जेड। ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। एक लास्ट पेज देख लेंगे जो है पेज नंबर 218 नोट्स में। इसमें मैंने जितने भी नोटेशंस हैं वो सबको समराइज किया हुआ है कि नॉर्मल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो पहला इसको मैं थोड़ा रफ लिखाऊंगा, इसको आप बेसिक तरीके से लिखें तो यह आपका आएगा डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कुछ क्लास में लिखाया भी है, ठीक है। फिर एक अपन बनाएंगे नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन मतलब आपको ध्यान रखना है ये वाई वाई प्लेन है, ठीक है ना, और इस नॉर्मल प्लेन पे क्या आता है ये भी आपको पता है, वर्चुअल स्पर गियर भी आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि नॉर्मल प्लेन है जो वाई वाई है और इस पे आता है एक वर्चुअल स्पर गियर। इसके बाद हम देखेंगे तो वो आएगा आपका ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स एक्स से, और इसमें आपका आता है असल में हेलिकल गियर। ट्रांसवर्स प्लेन पे हेलिकल गियर के नोटेशन डिफाइंड है, नॉर्मल प्लेन पे वर्चुअल स्पर गियर के नोटेशन डिफाइंड है, और ये लास्ट कॉलम आता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। अब पहला है दिख रहा होगा नंबर ऑफ टीथ, कितने दांत हैं, नंबर ऑफ टीथ। इसमें नोटेशन यूज कर रहे हैं जेड डैश नॉर्मल प्लेन पे, अभी देखे वर्चुअल स्पर गियर का ये है जेड, और दोनों बीच में रिलेशन निकल के आया जेड डैश इक्वल टू जेड अपॉन कॉस क्यूब साई। दूसरा नोटेशन यहां पर दिया हुआ है मॉड्यूल,
वाई वाई प्लेन पे जो मॉड्यूल रहता है वो नॉर्मल मॉड्यूल रहता है, एक्स एक्स प्लेन पे रहता है वो ट्रांसवर्स मॉड्यूल रहता है, और दोनों के बीच में रिलेशन होता है एम एन इक्वल्स टू एम कॉस जाई। नेक्स्ट है आपका पिच सर्कल डायमीटर पीसीडी, इसका नोटेशन होता है डी डैश, इसका नोटेशन होता है डी, और अभी देखे थे दोनों के बीच में रिलेशन होता है डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन कॉस स्क्वायर जाई। वर्चुअल गियर का डायमीटर होता है डी डैश, हेलिकल गियर का डी। फोर्थ पॉइंट, सर्कुलर पिच, पिच फिर से नॉर्मल पिच स्मॉल पी एन, यहां पर ट्रांसवर्स पिच स्मॉल पी, और ये निकल के आएगा पी एन इक्वल्स टू पी कॉस जाई, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। डायमेट्रल पिच कैपिटल पी एन कैपिटल पी, और ये निकल के आया था आपका कैपिटल पी एन इक्वल्स टू कैपिटल पी अपॉन कॉस। नेक्स्ट प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्लेन पे अल्फा एन, ट्रांसवर्स प्लेन पे अल्फा, और दोनों के बीच में निकल के आया था कॉस जाई इक्वल्स टू टेन अल्फा एन अपॉन टेन अल्फा, ये डाटा बुक में सब दिया हुआ है। लास्ट चीज आती है सेवेंथ, फेस विड्थ, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे, मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है। ये एक हेलिकल गियर हमने बनाया था जिसमें ये टीथ इंक्लाइंड है, तो बेसिकली हेलिकल गियर का फेस विड्थ ये रहता है, फेस विड्थ मतलब उसके दांत की चौड़ाई, हेलिकल गियर में रहता है ये फेस विड्थ, ये ऐसा, ठीक है। तो हेलिकल गियर का यहां पर ये रहेगा फेस विड्थ, लेकिन हम मतलब इसको सामने से देख रहे हैं, मतलब कौन से प्लेन पे आएगी, मैं इसलिए यहां पर लिखा हूं क्योंकि हम इसको सामने से देख रहे हैं, तो ये फेस विड्थ यहां पर आ रहा है, और यहां पर होता है जो प्लेन वो रहता है एक्स एक्स, हम एक्स एक्स प्लेन के अलावा लाके अगर ये डिस्टेंस नाप रहे हैं, ये पूरी गियर की चौड़ाई नाप रहे हैं, तो ये आएगा नॉर्मल फेस विड्थ आपका, ठीक है, सॉरी नॉर्मल ट्रांसवर्स फेस विड्थ बोल सकते हैं हम इसको। अब अगर हम टी से पैरेलल आ जाए, सॉरी टी से परपेंडिकुलर आ जाए, ऐसे जो होता है आपका वाई वाई प्लेन, तो ये दांत यहां से यहां तक इतना चौड़ा दिखाई देगा, इसलिए, और ये प्लेन कैसे होता है वाई वाई पे नॉर्मल प्लेन पे, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको डिफाइन करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, और मेरे पास डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो कि है बी, और मेरे को मालूम है कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है जाई। तो अगर मैं फिर से इसको ये ए बी सी बनाओ, है ना, तो ये कॉस सॉरी ट्राइंगल ए बी सी के अगर हम डिफाइन करें तो आपको आएगा फिर से कॉस जाई इक्वल्स टू क्या बनेगा ए सी अपॉन ए बी, तो कॉस जाई इक्वल्स टू ए सी आपको डिस्टेंस मालूम है बी अपॉन ए बी, और ये ए बी मुझे चाहिए, तो ये ए बी निकल के आएगा बी बाई कॉस जाई। तो जब भी हम वाई वाई प्लेन के अलोंग आके उस दांत का विड्थ नापेंगे तो वो फेस विड्थ आ जाएगा आपका बी बाई कॉस जाई, बस ये ध्यान रखना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बस ये एक नोटेशन है, ये रिलेशन नहीं है, सिर्फ नोटेशन, ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक्स एक्स प्लेन पे आके उस दांत की चौड़ाई निकालेंगे तो बी कहलाएगा, जब भी आप वाई वाई प्लेन पे आएंगे तो वो दांत की चौड़ाई रहेगी बी बाई कॉस जाई। तो जो भी हमने नॉर्मल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन पे देखा था, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ को देखा था, जो भी नोटेशन दिया था उसको लास्ट में एक टेबल फॉर्म में मैंने जमा दिया समराइज करने के लिए, ताकि आपको उसको ध्यान रहे और उसको आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू।